गोल्डी बराड़ मारा गया है। अमेरिका में गोल्डी बराड़ को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। गोल्डी बराड़ के मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर अर्श डल्ला और लखबीर ने ली है। अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने दावा किया है कि कैलिफोर्निया के फेयरमॉन्ट और हॉल्ट एवेन्यू में गोल्डी बराड़ और उसके साथी को घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोल्डी बराड़ को गोलियां मारी और फरार हो गए। भारत में गोल्डी बराड़ को A+ कैटेगरी का गैंगस्टर घोषित किया जा चुका है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। गोल्डी बराड़ गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता था और अमेरिका में बैठकर पूरा गैंग वो ही ऑपरेट करता था। लॉरेंस बिश्नोई ही भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 700 शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का काम करता था। पंजाब में गोल्डी बराड़ के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। गोल्डी बराड़ के भाई की 2020 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या की थी और फिर स्टूडेंट वीजा पर कैनेडा भाग गया था। कनाडा से गोल्डी बराड़ अमेरिका पहुंच गया था और पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। अब जो जानकारी मिल रही है, गोल्डी बराड़ को मार दिया गया है और इसकी जो सिद्धू मूसेवाले मर्डर का मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गोल्डी बराड़ था। गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला ने गोल्डी बराड़ को मारने की जिम्मेदारी ली है। बदमाशों ने गोलियां मारकर अमेरिका न्यूज चैनल्स ने इस बात का दावा किया है। सिद्धू मूसेवाले मर्डर का मास्टरमाइंड था। रोहित परेठा एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह से गोल्डी बराड़ को मारा गया, क्या अपडेट अभी तक सामने आया है? देखिए अनन्या, अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि अमेरिका का जो वक्त है उसके मुताबिक शाम 5:25 के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ था अमेरिका में और उस दौरान उस पर ही अटैक किया गया। ये अभी तक अमेरिकी जो मीडिया है उसके हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन अभी तक एक कन्फर्मेशन इस चीज में बाकी है कि क्या जो शख्स मारा गया वो गोल्डी बराड़ ही है। हालांकि जो अमेरिकी न्यूज चैनल्स हैं वो लगातार इसी खबर को रन कर रहे हैं कि जो शख्स मारा गया वो गोल्डी बराड़ है, लेकिन उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसकी कंफर्मेशन में थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। हालांकि जो एरिया है जिस एरिया में ये अटैक हुआ वहां पर गोल्डी बराड़ रह रहा था और गोल्डी बराड़ के बारे में पहले जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि वो कैनेडा में रह रहा है, लेकिन दिसंबर में जब कैनेडा ने अपने मोस्ट वॉन्टेड जो है कैनेडा के उनकी लिस्ट जारी की थी उसमें गोल्डी बराड़ का भी नाम था और गोल्डी बराड़ उस वक्त कैनेडा का मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 15वें नंबर पर था। तो उस दौरान इस तरह की खबरें सामने आई थी कि गोल्डी बराड़ अब चूंकि पुलिस के रडार पर पूरी तरह से आ चुका है, कैनेडा पुलिस बहुत सरगर्मी से उसको तलाश कर रही है, तो ऐसे में उस वक्त की आशंका जाहिर की गई थी कि गोल्डी बराड़ भागकर अमेरिका में कहीं छुप गया है और अब अमेरिका में शूट आउट होता है। शूट आउट करने वाला गैंग डल्ला लखबीर, जो कि गोल्डी बराड़ गैंग का जिसको खून का प्यासा कहते हैं, गोल्डी बराड़ का मतलब बहुत पुरानी रंजिश और दुश्मनी डल्ला लखबीर गैंग के साथ रही है, उसी गैंग की तरफ से शूट आउट होता है, उस एरिया में शूट आउट होता है जिस एरिया में गोल्डी बराड़ रह रहा था। तो ये सारी कड़ियां हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस शख्स को मारा गया है वो गोल्डी बराड़ रही है। दो लोग घर के बाहर खड़े हुए थे, अचानक से मोटरसाइकिल पर शूटर्स आते हैं, अंधाधुन फायरिंग करते हैं, गोलियां चलती हैं और गोल्डी बराड़ को 2 गोलियां लगी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अभी तक इसको किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि वो गोल्डी बराड़ है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन भी अभी होना पूरी तरह से बाकी है। ठीक है, अब साहिल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पंजाब में कई मामले गोल्डी बराड़ को लेकर दर्ज हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से गोल्डी बराड़, क्योंकि अमेरिकी मीडिया की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि जिसकी मौत हुई है वो गोल्डी बराड़ है, लेकिन जो वहां की लोकल पुलिस है उसकी तरफ से अभी बहुत हद तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि जो मारा गया शख्स है उसका नाम गोल्डी बराड़ ही है, अर्शदीप डल्ला गैंग है जिसने ये जिम्मेदारी ली है। साहिल आपको आवाज आ रही है मेरी? साहिल आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अमेरिकी एक न्यूज चैनल की ओर से दावा किया गया है कि कल जो है अमेरिका के टाइम के मुताबिक करीब 5:30 बजे के आसपास जो है अमेरिका के अंदर एक घर के बाहर खड़े
है, दो युवकों द्वारा गोलियां चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां जो है उनके द्वारा चलाई गई, और उसके बाद दावा यही किया जा रहा है कि जिन पर जो है गोलियां चलाई गई है और मृत्यु हो गई है उसका नाम गोल्डी बराड है। गोल्डी बराड वही शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में लगातार दावा यही किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले की आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई। अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी, स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो शख्स गोल्डी बराड़ी था जिसकी जो है हत्या की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें गोल्डी बराड़ के जो विरोधी गैंग है अर्श डल्ला और लखबीर सिंह, उनकी ओर से एक जिम्मेदारी ली गई है। फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स की जान गई है वो गोल्डी बराड ही है, लेकिन जो वहाँ की लोकल पुलिस है अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है कि अर्शदीप डल्ला गैंग जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि गोल्डी बराड को मार दिया है, क्या मरने वाला शख्स गोल्डी बराड ही है